मम्मी टेंशन मत लेना, ये दारू नहीं है। जिस चीज का मुझे डर था वो ही हुआ है। तो मुझे अभी ये पास्ता मिला है और इसमें ये रेड कलर की पास्ता है, बट मैं इसको क्या अलग कर पाऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना और कोई योगेश से हाय। तो आज है वैलेंटाइंस डे, सो एज सच हम वैलेंटाइंस पे कुछ खास करते नहीं है, बट आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर से हम लोग फिनलैंड में हैं, दोनों अकेले हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। लास्ट ईयर हम लोगों का पहले वाला जो घर था वहां पे फायर प्लेस था, तो हम लोगों ने उसको जलाया था, कोजी सा डिनर किया था, जिसका लिंक मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप उसको भी चेकआउट जरूर कीजिए। और इस ईयर मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, कुछ चैलेंज किया जाए, चैलेंज वैलेंज टाइप का कुछ किया जाए। तो इस ईयर हम लोग करने वाले हैं ओनली ईटिंग रेड फूड फॉर द होल डे ऑन वैलेंटाइंस डे। सो एज यू नो, वैलेंटाइंस डे ऑफ लव, रेड कलर ऑफ लव, तो आज हम पूरे दिन खाने वाले हैं सिर्फ रेड कलर का खाना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैलेंज। मैंने रेड भी पहना हुआ है आज सुबह से ही। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। सो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि योगेश वैलेंटाइंस डे है, बट योगेश मुझे कोई ज्यादा भाव दे नहीं रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस है। सो ब्रेकफास्ट में वैसे हम ज्यादा कुछ खाते नहीं हैं और हम लोग मॉर्निंग में लेमन हनी वाटर लेते हैं, बट एज यू नो वो रेड तो होता नहीं है। तो आज हम लकीली हमारे पास है ये जूस जिसमें है एप्पल, ब्लूबेरी, रास्पबेरी एंड दिस एकेरोला, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट लकीली ये रेड है। सो हम जूस लेने वाले हैं और फ्रूट्स में हम खाएंगे एज यू नो मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर होकर चल रही हूँ पहले से ही। और फ्रूट्स में हम खाएंगे प्लम, और ये प्लम आपको पता है फिनिश में इसको क्या कहते हैं, फिनिश में प्लम्स को कहते हैं लुमुतुमु, बहुत ही क्यूट सा नेम है लुमुतुमु। सो आज हम ब्रेकफास्ट में ये खाएंगे। सो दिस इज आवर रेड ब्रेकफास्ट एंड वी हैव एप्पल्स आल्सो। This is our red breakfast. Nice. Cheers. Cheers. Cheers to us. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. This is our breakfast. Healthy breakfast. Do you like your breakfast? Do you like your Valentine breakfast? Why you are not eating this? ये क्यों नहीं खा रहे हो? खट्टा हो रहा है। ये बिल्कुल खट्टा नहीं है। खा लो फिर। ये खाओ। मीठा भी नहीं है, फीका हो रहे हो। मीठा है वो। So breakfast के बाद now it's lunch time और lunch में मैं बना रही हूँ beetroot rice. सो बीटरूट वैसे मुझे नॉर्मली पसंद नहीं है एज अ सैलड, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अजीब सा होता है। हमारे यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया था और उन्होंने ये बीटरूट राइस बनाए थे और इसका फ्लेवर जस्ट अमेजिंग, मतलब बीटरूट का वो जो अर्दी फ्लेवर है वो आता ही नहीं है राइस में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो आज हम वही बनाएंगे, और योगेश और मुझे दोनों को ही ये राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर आज यही बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। और ये है हमारा वैलेंटाइन का लंच, रेड लंच। और मैंने सबसे पहले कलर, ये कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, तुम खाओ। हाँ कितना ब्यूटीफुल रेड कलर आया है राइस का। और मैंने हम रायते में भी थोड़ा सा ग्रेटेड बीटरूट डाल दिया, तो उसको भी थोड़ा हल्का पिंक पिंक की शक्ल मिल गया। कैसे लग रहा है आपको आपका वैलेंटाइंस डे? मस्त। ब्रेकफास्ट और लंच में तो थोड़ा सक्सेस मिल गया रेड में, अब देखते हैं इवनिंग और नाइट में क्या करती है जो घर। देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये योगेश का बर्थडे है और मैं उनके लिए ये इस तरह से
सरप्राइज और काम करने पे लगी हूँ, मतलब ये अपना मजा तो आ रहा है जस्ट बिकॉज आज मेरे पति का वर्किंग डे है इस वजह से। सो लेट्स हैव लंच। और अब ब्रेकफास्ट और लंच के बाद अब डिनर की तैयारी के लिए मैं आई हुई हूँ के मार्केट ढूंढने, कुछ ना कुछ ढूंढने। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, कुछ भी रेड कलर में नहीं मिल रहा है। और मुझे अभी ये पास्ता मिला है और इसमें ये रेड कलर की पास्ता है, बट मैं इसको क्या अलग कर पाऊँगी। सी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड समथिंग इन रेड। बाहर से तो पैकेट बहुत सारी चीज़ों के रेड हैं, बट रेड फूड में कंसिडर इसको नहीं कर सकते। आई एम बैक फ्रॉम के मार्केट और मैंने डिनर के लिए कुछ ना कुछ रेड ढूंढ लिया है, सो वो आपको डिनर में पता चलेगा। और उसके साथ साथ मैं रेड कलर की जब चेन ढूंढ रही थी तो मुझे मिला ये रेड सावर स्टिक, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। योगेश को सावर स्टिक बिल्कुल नहीं पसंद, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इंडिया में भी चुपा चुप बहुत ज़्यादा खाती थी और ये कुछ ज़्यादा ही खट्टी है, बट काम चल जाएगा, कुछ ना होने से कुछ होना पड़ेगा। तो इस चैलेंज की वजह से हम शाम में चाय तो नहीं पी सकते, बट मेरे पास एक जुगाड़ है। मम्मी टेंशन मत लेना, ये दारू नहीं है, दिस इज ग्लॉगी। ये ग्लॉगी है, ये नॉर्डिक की ड्रिंक है और इसके अंदर मतलब दिखने में दारू जैसी लगती है, मतलब दारू क्या वाइन बॉटल जैसी लगती है, बट इसमें रास्पबेरी और ये सब का जूस होता है और इसके अंदर कुछ मसाले भी होते हैं जैसे सिनेमन और ये सब। और देख लो भाई, इसमें लिखा भी हुआ है दिस इज़ अल्कोहल फ्री। अल्कोहल वाली भी आती है बट दिस इज़ अल्कोहल फ्री, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं तो हम ये पियेंगे। और इसको पीने का एक मतलब अलग तरीका है। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो मैंने बिल्कुल ऐसे पी लिया था ठंडा ठंडा, बट इसको गर्म करके पिया जाता है। सो लेट्स मेक ग्लॉगी। इसका कलर भी देखें, दिस इज डार्क रेडिश कलर। मैं थोड़ी थोड़ी बनाने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है। इट इज़ लाइक फिनलैंड के लोगों का काढ़ा। ये लोग, यहाँ के लोग इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये आपको अंदर से वार्म रखती है। तो बस बिल्कुल इसी तरह से इसको गिरी, बस इसी तरह से इसको हल्का सा सिमर कर लेना है और फिर डाल देना है ग्लासेस में, थोड़ा थोड़ा। ये लो, जल्दी पकड़ो, गर्म है। गर्म हो रहा है ये ग्लॉगी, गरम होती है। थैंक यू। और योगेश को ग्लॉगी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट गरम हो रही है। तो डिनर के लिए मैं लेकर आई हूँ ये कलरफुल पास्ता, बट क्योंकि हम रेड फूड चैलेंज कर रहे हैं तो इसमें से मुझे अब ये रेड वाला पास्ता अलग करना है। देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं और ये पास्ता भी काफ़ी यूनिक सा लग रहा है इसकी शेप। मुझे सिर्फ ये ही मिला जिसको मैं आज के चैलेंज में ले सकती हूँ। और इसमें देखिए 5 तरह के कलर्स हैं इस पास्ता में, 1 2 3 4 5। तो चलिए करते हैं अब इसको अलग, मैं सारे रेड वाले अलग कर रही हूँ, बट अब बस मुझे इसमें ये है कि ये इतना हो जाए कि आज के खाने के लिए हमारे हो जाए। तो मैंने अपने ये रेड कलर वाला पास्ता पूरा अलग कर लिया है और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी हमारा रेड बेल पेपर। लेट्स सी ये कैसा बनता है। बस मुझे ये कि ये कलर ना मतलब डल ना हो जाए इसका कलर बॉईल करने के बाद, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह का पास्ता यूज़ किया हुआ है बट उसमें ये वाले कलर्स थे, ये ऑरेंज ये कलर्स थे और वो बनने के बाद वो कलर बिल्कुल गायब सा हो जाता है। बस मैं ये सोचूँगी इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जिस चीज़ का मुझे डर था वो ही हुआ है। ये देखो पास्ता का कलर कितना लाइट हो गया, बट मैंने आप लोगों को पहले ही कलर दिखा दिया था, ये डार्क रेड कलर था, तो हम इसे कंसीडर करेंगे हमारे चैलेंज में और मैं ट्राई करूँगी इसको और रेड बनाने की। ये है हमारा डिनर आज का, वैलेंटाइन स्पेशल पास्ता, रेड सॉस पास्ता, और पास्ता भी रेड था बट अब वो रेड रहा नहीं बनाते बनाते।
ठीक है, रेड तो दिख ही रहा है। यस, सो दिस इज आवर वैलेंटाइन स्पेशल एंड रेड चैलेंज स्पेशल डिनर। यस, मिर्ची डाल दो। नहीं लेकिन नहीं, ठीक है, चटपटा हो रहा है। मैंने इसको रेड और रेड करने के चक्कर में इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ी एक्स्ट्रा डाल दी। कश्मीरी मिर्च में मिर्च वैसे कम होती है। नहीं लग नहीं दिया ऐसा, मतलब सही लग रहा है, चटपटा लग रहा है। बेसिकली हम जब पास्ता खाते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी सब्जियां पसंद है, बट आज रेड चैलेंज की वजह से मैंने उसमें सिर्फ रेड वाली रेड बेल पेपर डाली है। इसका डिजाइन अलग है ना, कर्ली कर्ली सही है। सिर्फ रेड कलर के चक्कर में मैंने ये ढूंढा है, रेड कलर का कुछ भी नहीं मिल रहा था। सो अब डिनर के बाद अब क्या बना रहे हो अर्चना? अब मैं बना नहीं रही हूँ कुछ, अब है डिजर्ट टाइम। ओके, मीठे में मुझे समझ नहीं आया कि क्या लाना है क्योंकि डार्क रेड में तो कुछ मिला नहीं और इतने टाइम से आइसक्रीम खा रहे थे, मेरा आइसक्रीम खाने का भी मन नहीं था। ये मैं लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी मूस। हाई प्रोटीन। ये थोड़ा लाइट कलर का है। मैंने इसका चॉकलेट वाला खाया था, वो बहुत यम्मी होता है। अब इसको रेड कैसे करेंगे? और इसके ऊपर हम डालेंगे ये। पता ही क्या? ये है यहाँ पे फ्रूट्स का भी सूप मिलता है। अच्छा। तो ये है ब्लूबेरी का सूप। ओके, आराम से। अब हो गई भी रेड हो गई। यस, रेड हो गई, रेड हो गई। ये वाओ, लुकिंग नाइस। दिस इज आवर लास्ट रेड रेड फूड ऑफ द डे। कैसा हो रहा है? ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट। नाइस नाइस, ऑनेस्ट। सही, हाँ, अच्छा लग रहा है इसके साथ मिलके। मतलब कैमरा के लिए झूठ नहीं बोलना है। नहीं नहीं, सही में मैं सच बताऊं तो विदाउट इसके मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो प्रोटीन वाला है ना, ये मुझे विदाउट कुछ एडिशनल मेरे को पसंद नहीं आता, बड़ा फीका सा लगता है। अभी ये सूप डाला हुआ है तो उसकी वजह से टेस्ट हो रहा है। सो हमारा आज का ये रेड फूड ईटिंग चैलेंज होता है यहीं पे खत्म, हमारे डिजर्ट के साथ। सो अगर आपको हमारे चैलेंज पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप हमें और भी चैलेंजेस दे सकते हैं। अगर आप और कोई कलर्स चाहते हैं कि हम ट्राई करें तो वो भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज फ्रॉम अस। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओके, बाय।